राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि और लग्न वालों के मार्च के राशिफल की। बंधुओं, मेष राशि और लग्न वालों का मार्च का महीना कैसा रहेगा, कौन से शुभ दिन रहेंगे और कौन से अशुभ दिन, और क्या खास उपाय हैं जिनको करके मेष राशि और लग्न वाले मार्च के महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। मार्च का महीना भगवान शिव की महाशिवरात्रि का पर्व और होली का महीना है। इस महीने में मेष राशि और लग्न वालों का किस तरह का राशिफल रहेगा, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले कर चर्चा करते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। मेष राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति स्वयं संचरण करेंगे। आपके छठे भाव में कन्या राशि में केतु संचरण करेंगे। वहीं राहु आपके पूरे महीने द्वादश भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। 7 मार्च से बुध जो है द्वादश भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च से सूर्य राशि परिवर्तन करके, यानी कि शनि देव की राशि कुंभ से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे। इसी तरह 7 मार्च से शुक्र एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च से यहां मंगल एकादश भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि देव अपनी स्वयं की राशि में पूरे महीने एकादश भाव में ही संचरण करेंगे, लेकिन शनि देव 17 मार्च से कुंभ राशि एकादश भाव में उदय हो जाएंगे। तो इस महीने में मेष राशि और लग्न वालों का किस तरह का राशि फल रहेगा, इसकी चर्चा हम अब प्रत्येक भाव के अनुसार करते हैं। बंधुओं, आप YouTube चैनल्स पर कुंडली का विवेचन देखते होंगे, लेकिन हम अपने चैनल पर प्रत्येक भाव के अनुसार फलों की चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि इस महीने आपके किस क्षेत्र में क्या होने वाला है। बंधुओं, सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके मान सम्मान और आपके व्यक्तित्व का भाव है। यहाँ आपकी स्वयं की राशि में, यानी कि मंगल देव की राशि में गुरु विराजमान है। यदि प्रथम भाव की चर्चा की जाए तो कार्यों में आपको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। परिश्रम से ही आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। टेक्निकल और मेडिकल के फील्ड से जुड़े लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी, इस महीने प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। नौकरी में यदि परिवर्तन का कोई अवसर आता है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, बहुत सोच समझ करके ही नौकरी में परिवर्तन करना है। 15 से 31 मार्च के बीच वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार, कहीं पर भी वाद विवाद की स्थिति से आपको बच करके रहना है। बंधुओं, चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार और कुटुंब का भाव है। द्वितीय भाव के अधिपति शुक्रदेव लाभ भाव में एकादश भाव में संचरण करेंगे, तो आपका आर्थिक पक्ष इस महीने मजबूत होगा। मेष राशि और लग्न वालों का मार्च में धन आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन जिस तरह से धन आएगा उसी तरह खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए इस महीने आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख कर के चलें। वस्त्र उद्योग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने विशेष लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, कुछ लोग आपके काम में रुकावट पैदा करेंगे तो वहां विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से वाद विवाद की स्थिति से आपको बचकर रहना होगा। 15 से 31 मार्च के बीच परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनेगी, जिससे आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव के अधिपति बुध यहाँ पर आपके 7 मार्च के बाद में द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचरण करेंगे। 7 मार्च तक आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। 7 से 25 मार्च के बीच आपकी यात्राएं होंगी। यात्राओं से ज्यादा लाभ की अपेक्षा आप करके न चलें, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि परिश्रम करने से भी उतना लाभ प्राप्त नहीं होता, लेकिन धैर्य को बना करके रखें। भाई बहन और मित्रों के साथ
वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहे। बंधुओं बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव पर राहु का दृष्टि संबंध है। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी माता का, आपके वाहन सुख का, आपके हृदय संबंधी रोगों का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने भौतिक सुख सुविधाओं पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख के चलें। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जिस तरह से आपके पास धन का आगमन होगा उसी तरह आपके खर्चे बने रहेंगे, तो खर्चों को नियंत्रण करके चलें। जहां आवश्यकता है वहीं खर्च करें। प्रॉपर्टी के जो मामला है उसमें यदि आप कोई जमीन लेना या मकान लेना बेचना चाहते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। इस महीने आपके वाहन खरीदने के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य का इस महीने आपको ध्यान रखना होगा। बंधुओं बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अधिपति सूर्य 14 मार्च तक एकादश में भाव में रहेंगे। उसके बाद वो राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में द्वादश भाव में चले जाएंगे। बंधुओं पंचम भाव जो होता है वो अचानक धन लाभ का भाव होता है, आपके संतान सुख का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, आपके प्रेम संबंधों का भाव होता है। यदि पंचम भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपको स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है। शेयर बाजार में कोई भी आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करें। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। गर्भवती महिलाएं इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान पक्ष से पिछले दिनों जो आपके मन मुटाव चले आ रहे थे, इस महीने संतान पक्ष के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। बंधुओं बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में केतु विराजमान है, कन्या राशि में विराजमान है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपको नसों से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने धन का समन्वय इस तरीके से इस महीने करके चलना है कि आपको ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़ जाए। शत्रुओं से इस महीने आपको सावधान रहकर चलना पड़ेगा, चाहे नौकरी हो या व्यापार। दोनों ही स्थान पर आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनसे बचकर रहना है और उनसे लड़ाई झगड़े यानी वाद विवाद की स्थिति से भी आपको बचना है। बंधुओं बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव के अधिपति लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं शुक्र। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। यदि सप्तम भाव की चर्चा करें तो आपको व्यापार में नई योजनाओं से लाभ होगा, व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, व्यापार में उन्नति होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आपका गृहस्थ जीवन इस महीने मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ बस थोड़ा सा सामंजस्य बना करके आपको चलना होगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थितियों से बचकर रहना होगा। नई व्यापारी साझेदारी इस महीने यदि आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, उसके बाद ही कोई नई साझेदारी इस महीने करने का प्रयास करें। बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है, रिसर्च का भाव है। अष्टम भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो अष्टम भाव के फलों की चर्चा की जाए तो विदेश संबंधी मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। रुके हुए विदेश संबंधी मामले धीरे धीरे गति पकड़ लेंगे, इसलिए धैर्य बना करके आपको रहना है। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं बात करते हैं नवम भाव की। ये भाग्य भाव है, ये धर्म का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। ये नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी स्वयं की राशि में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको इस महीने भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। तो हम यदि कुल मिलाकर के कहें कि आप परिश्रम भी करें और भाग्य भी आपके साथ है तो इस महीने आपको बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त हो सकती है। इस महीने धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं बात करते हैं दशम भाव की। दशम के अधिपति शनि देव एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव आपकी आजीविका का भाव है, आपके पिता का भाव है। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन का अवसर आता है तो बहुत सोच समझ करके ही इस महीने नौकरी में परिवर्तन करें। व्यापार में आप सावधानी पूर्वक इस महीने आगे बढ़ें।
यानी कि कोई भी पैसे का लेन देन करते हैं या कोई डील करते हैं तो बहुत सोच समझ करके कागजों को पूरा करके ही आगे बढ़ें। नौकरी और व्यापार में आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, इसलिए शांत मन से इस समय को निकालना है, यानी किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहना है। पिता के साथ भी आपको सामंजस्य बना करके चलना होगा। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की। ये लाभ भाव है। यहाँ पर मंगल, शनि और शुक्र ये तीनों विराजमान रहेंगे तो आपकी इस महीने आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। धन लाभ के लिए एक साथ कई जगहों पर हाथ पैर न मारें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मुझे जल्दी से धन प्राप्त हो जाए तो वो कई जगह प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और जब मन एकाग्र नहीं होता इस तरह से आप कोई काम करेंगे तो चारों तरफ से ही आपको फिर असफलताएं मिलेंगी। इसलिए धैर्य पूर्वक अपने कार्यों को करें, धीरे धीरे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है। ये कोर्ट कचहरी और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ पर सूर्य बुधादित्य योग भी बनेगा और बुध और राहु का योग भी बनेगा। तो ये इस भाव की चर्चा की जाए तो 15 मार्च के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ अनिद्रा जैसी स्थिति बन सकती है, इससे आपको बचकर रहना होगा। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। विदेश संबंधी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बना करके रखें। कुछ समय के बाद विदेश संबंधी मामले भी आपके प्रगति पर आ जाएंगे। यदि कोर्ट कचहरी के मामलों की बात की जाए, यदि आपका कोई विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़े तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार मेष राशि और लग्न वालों के मार्च के महीने के राशिफल की चर्चा की। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। यदि शुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने 1, 5, 8, 15, 18, 22, 24 और 27 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, जिनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, व्यापार के लिए कोई डील कर सकते हैं, नौकरी का इंटरव्यू कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने आपको 2, 3, 4, 11, 12, 19, 20, 21, 30 और 31 इन तारीखों में थोड़ा संभल के रहना होगा। नौकरी और व्यापार स्थान पर किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं तो ये दिन आपके उत्तम फलदायी हो सकते हैं। बंधुओं, यदि उपाय की बात की जाए तो मंगल प्रधान मेष राशि है, इसलिए आप हनुमान जी की शरणागत होइए, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा के जितने अधिक पाठ हो सकते हैं पाठ करें, मंदिर में बूंदी का भोग लगा करके लोगों के बीच बांटें, गरीबों के बीच बांटें, तो हनुमान जी की कृपा से मार्च का महीना आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। इस वीडियो में हम वृषभ राशि और लग्न वालों का मार्च का राशिफल बताएंगे, साथ ही बताएंगे इस महीने के आपके शुभ दिन और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिसको करके वृषभ राशि और लग्न वाले इस महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, वृषभ राशि और लग्न वालों को इस महीने शनि देव की कृपा से सस महापुरुष राजयोग की प्राप्ति होगी, जो पंच महापुरुष योग में से बेहद खास योग है, जिससे उनको अनेक तरह के लाभ भी प्राप्त होंगे। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करवद्ध निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म की सही जानकारी प्राप्त हो सके। मार्च का महीना भगवान शिव की महाशिवरात्रि का महापर्व और होली का महापर्व, ये दो विशेष पर्वों को लेकर के आया है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि और 25 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। बंधुओं, वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। यदि कुंडली और ग्रह गोचरों को देखा जाए तो इस तरह से ग्रहों का गोचर रहेगा। शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके पंचम भाव में कन्या राशि में केतु पूरे महीने संचरण करेंगे, वहीं शनि पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि दशम भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, लेकिन शनि देव 17 मार्च को कुंभ राशि में ही उदय हो जाएंगे। 15 मार्च को मंगल देव कुंभ राशि दशम भाव में प्रवेश करेंगे। 7 मार्च को शुक्रदेव दशम भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 14 मार्च तक सूर्यदेव भी विराजमान रहेंगे। 15 मार्च को सूर्यदेव एकादश भाव लाभ भाव में
संचरण कर लेंगे। 7 मार्च को यहाँ पर बुध भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि में स्वयं पहले से विराजमान रहेंगे। 15 मार्च के बाद सूर्य बुधादित्य योग बनेगा, वहीं बुध और राहु का जड़त्व योग बनेगा। आपके द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि और लग्न वालों के ग्रह गोचर मार्च माह में रहने वाले होंगे। बंधुओं, अब हम चर्चा करते हैं प्रत्येक भाव के अनुसार राशि फल की। तो आपको इस महीने धन का लाभ कैसा होगा, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा, आपके संतान की सुख की क्या प्राप्ति होगी, आपके शत्रु कैसे रहेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम प्रत्येक भाव के अनुसार करते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं आपके प्रथम भाव। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान और आपके आत्मविश्वास का भाव है। प्रथम भाव के स्वामी शुक्रदेव दशम भाव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो प्रत्येक निर्णय इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को बहुत सोच समझ करके लेना है। आप इस महीने अति आत्मविश्वास से बच करके रहें, क्योंकि जब व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में होता है तब बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारे नुकसान उसको उठाने पड़ते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में इस महीने बिल्कुल नहीं रहना। कोई भी निर्णय करना है बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। नौकरी में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लें। ये वृषभ राशि और लग्न वालों को मार्च के महीने में विशेष चेतावनियां दी जाती हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के स्वामी बुध 7 मार्च तक आपके दशम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, वाणी और परिवार का भाव है। तो इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन जिस तरह से धन आएगा उसी तरह आकस्मिक खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। इस महीने में आप अपने खर्चों को समन्वय बना करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि जितना धन आ रहा है उतना पूरा धन आपके खर्चों पर निकल जाए। तो इस तरह से अपने धन का मैनेजमेंट करके चले, वाणी की मधुरता को बना करके रखें। ऐसा कोई वायदा नौकरी हो या व्यापार किसी भी स्थान पर ना करें जिससे कि आपकी इमेज को ठेस पहुंचे, जिसको आप पूरा न कर पाए। इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को परिवार का बेहद सहयोग प्राप्त होगा। ये बहुत उत्तम बात होती है जब परिवार आपके साथ खड़ा हो। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव पर राहु का सीधा दृष्टि संबंध है। ये पराक्रम का भाव है, भाई बहन मित्रों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। तृतीय भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। पिछले महीने के जो रुके हुए काम है इस महीने पूरे हो सकते हैं। कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ था तो वो प्रमोशन वेतन वृद्धि इस महीने आपकी हो सकती है। इस महीने भाई बहन और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी जो भी कामकाजी यात्राएं होंगी वो भी आपको सफलता देकर के जाएंगे। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन माता हृदय संबंधी रोगों का भाव है। यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य आपके 14 मार्च तक दशम भाव में रहेंगे, तो उसका सीधा दृष्टि संबंध आपके चौथे भाव से होगा। और फिर सूर्य देव 15 मार्च को लाभ भाव में चले जाएंगे, देव गुरु बृहस्पति की राशि में चले जाएंगे। तो 14 मार्च तक प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ प्राप्त होगा। 14 मार्च तक आप कोई नया मकान ले सकते हैं। 15 मार्च के बाद जब सूर्य राशि संक्रमण करके यानी कि दशम भाव से निकल करके लाभ भाव में जाएंगे, तो 15 मार्च के बाद आप प्रॉपर्टी में कोई भी लेन देन करें तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। इस महीने आपके नए वाहन को खरीदने के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख करके चलना होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में पूरे महीने केतु विराजमान रहेंगे कन्या राशि में। पंचम भाव आपके आकस्मिक धन लाभ का भाव है, आपके प्रेम संबंध संतान और विद्या का भाव है। तो इस भाव की चर्चा करें तो संतान पक्ष के निर्णय पर विचार करके ही आगे बढ़ें। यानी कि संतान आपको कोई किसी तरह का सजेशन देती है तो उस सजेशन को एक साथ उसी कार्य में न लग जाएं, थोड़ा विचार करें कि इसकी आइडिया सही है या नहीं सही है। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने आलस्य हो सकता है, उनका मन पढ़ाई से अटक सकता है, इसलिए विद्यार्थी वर्ग आलस्य को छोड़ करके अपना मन
पढ़ाई पर केंद्रित करें। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करना कर रहे हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में कोई निवेश न करें। गर्भवती महिलाएं यात्रा के दौरान और इस पूरे महीने वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। यह छठे भाव की चर्चा की जाए, वृषभ राशि और लग्न वाले डायबिटीज के रोगी अपना विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखें। धन आएगा लेकिन धन के साथ खर्चे भी आएंगे, तो धन का समन्वय इस तरह से करें कि कर्ज लेने की स्थिति ना आ जाए। शत्रु पक्ष हावी नहीं होगा। बंधुओं बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव के अधिपति मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। व्यापार में इस महीने आपका स्थायित्व आएगा। जो पिछले महीने व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति थी, अब वो स्थिति खत्म होने वाली है। व्यापार की जो रुकावटें थी वो रुकावटें इस महीने दूर होंगी। व्यापार में यदि कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। वृषभ राशि और लग्न वालों का इस महीने दांपत्य जीवन आनंदमय होगा। जीवन साथी का उनको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यानी कि अष्टम भाव के जो अधिपति हैं देव गुरु बृहस्पति, वो आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे। उनका दृष्टि संबंध आपके अष्टम भाव से होगा, तो आपको विदेश संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। विदेश की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको भी सफलताएं इस महीने प्राप्त होंगी। बंधुओं बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के अधिपति शनि देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव आपके भाग्य का, आपकी भक्ति का और आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। तो नवम भाव की चर्चा करें तो इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को शनि देव की कृपा से सस नामक राजयोग भी मिल रहा है और कर्म और भाग्य का ऐसा अद्भुत संयोग बनकर के रहेगा कि आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनको भी शनि देव की कृपा से लाभ और सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में शनि देव सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जो पंच महापुरुष योग में से एक विशेष योग है। ये योग आपको हर क्षेत्र में सफलताएं दिलाता है। शनि देव 17 मार्च के बाद स्वयं की अपनी राशि में दशम भाव में ही मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये भाव जो होता है दशम भाव, ये आपकी आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। यह दशम भाव के फलों की चर्चा की जाए तो नौकरी और व्यापार में धीरे धीरे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन नौकरी में जल्दबाजी में निर्णय से बचें। व्यापार में यदि पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद इस महीने हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति से बच करके रहें। बंधु बात करते हैं लाभ भाव की। जहाँ पर सूर्य, बुध और राहु ये तीनों विराजमान रहेंगे तो यहाँ आर्थिक पक्ष आपका धीरे धीरे उत्तम होगा। धैर्य बना करके रखें, मन को शांत रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो एकादश भाव यानी लाभ भाव के भी आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है, विदेश संबंधी मामले, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का भाव है। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति मित्र राशि मंगल देव की राशि में संचरण करेंगे तो विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। खर्चों पर इस महीने आपको नियंत्रण रख करके चलना होगा। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं वृषभ राशि और लग्न वालों का हमने मार्च महीने का राशिफल प्रत्येक भाव के अनुसार बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 1, 3, 4, 9, 11, 16, 17, 21, 25, 27 और 29 ये आपके शुभ तारीखें हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने की 5, 6, 13, 14, 22 और 23 तारीख आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आपको संभल करके रहना होगा। नौकरी हो या व्यापार, इन स्थानों पर आपको वाद विवाद की स्थिति से बचना है, परिवार में विवाद की स्थिति से बचना है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। यदि वृषभ राशि और लग्न वालों के उपाय की चर्चा की जाए तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को है,
तो आप देवादिदेव महादेव का अभिषेक तो करें ही, उसके साथ ही इस महीने दुर्गा जी की उपासना करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और कन्याओं को मिठाई का दान दें, तो वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए मार्च का महीना उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न वालों के मार्च महीने के राशिफल के बारे में, साथ ही बताएंगे शुभ दिन कौन से रहेंगे और अशुभ दिन, और वो खास उपाय जिसको करके मिथुन राशि और लग्न वाले मार्च के महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारियों के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, यदि मिथुन राशि और लग्न वालों की ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति मार्च महीने में कुछ इस तरह से रहेगी। केतु उनके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे, राहु उनके दशम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे, 7 मार्च को बुध जो है आपके दशम भाव में आएंगे, राहु और बुध का जड़त्व योग बनेगा, 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो आपके नवम भाव से निकल करके आपके दशम भाव में पहुंचेंगे और सूर्य बुध का मुदाधिक योग बनेगा, वहीं सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनेगा। बंधुओं, पूरे महीने शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में कुंभ राशि में संचरण करेंगे, 7 मार्च को शुक्र नवम भाव में आएंगे, वहीं 15 मार्च को अष्टम भाव से निकल करके मंगल आपके नवम भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे, 17 मार्च को शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में नवम भाव में उदय होंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार आपके मार्च महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो प्रथम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि आपको धीरे धीरे इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको इस महीने धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना होगा। 7 से 25 मार्च के बीच कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। नौकरी और व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। तो इस तरह से आपको यदि ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो इस महीने में आगे बढ़ना होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। राहु का दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव से रहेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है इस महीने, लेकिन आकस्मिक खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी की मधुरता को बनाए रखेंगे तो कामों में सफलता मिलेगी। परिवार में किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव की स्वामी सूर्यदेव 14 मार्च के बाद से दशम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 14 मार्च तक वो आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। बंधुओं, चर्चा करते हैं अब तृतीय भाव की। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का भाव है। तृतीय भाव के स्वामी सूर्यदेव 14 मार्च के बाद में आपके दशम भाव में संचरण करेंगे, 14 मार्च तक वो नवम भाव में रहेंगे। यदि इस भाव की चर्चा की जाए, नौकरी में परिवर्तन लाभकारी होगा, मेहनत से सफलताएं प्राप्त होंगी, यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ में इस महीने आपकी वृद्धि देखने लायक होगी, भाई बहन और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। नई प्रॉपर्टी लेते समय कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता के स्वास्थ्य का इस महीने आपको ध्यान रखना होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, विद्या का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। यदि पंचम भाव की चर्चा करें की जाए, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार में यदि कोई लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। विद्यार्थी वर्ग को
इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। संतान पक्ष से जो आपके वैचारिक मतभेद चल रहे थे, इस महीने आपको संतान के साथ मधुर संबंध प्राप्त होंगे। इस महीने आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। छठे भाव के स्वामी मंगल देव यहाँ पर आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो रक्त संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। कर्ज लेने की स्थिति से बचें। बंधु, आपको अपने धन का समन्वय कुछ इस तरह से करना है कि इस महीने आपको कर्ज न लेना पड़े। शत्रु पक्ष से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप शत्रुओं से, अपने कंपटीटर से वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहे। वैसे शत्रु पक्ष आपको इस महीने परेशान नहीं करेगा, आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है, तो इस महीने व्यापारियों को व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यापार में उन्नति इस महीने देखने लायक होगी, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी से आपके संबंध मधुर रहेंगे। व्यापार में नई कोई साझेदारी करने से आपको इस महीने थोड़ा सा बचकर के रहना है। जिन मिथुन राशि और लग्न वालों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम के अधिपति शनिदेव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, आगस्त में घटनाओं का भाव है और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो जो लोग रिसर्च के कामों से जुड़े हुए हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। मेटल संबंधी कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं, उनको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। विदेश संबंधी मामलों में इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में शनि देव स्वयं विराजमान है, शुक्र 7 मार्च से पहुंच जाएंगे और मंगल यहाँ पर 15 मार्च से पहुंच जाएंगे। तो सूर्य, शनि और मंगल तीनों ग्रहों को देखा जाए तो 15 मार्च से ये तीनों ग्रह एक साथ यहाँ पर मिलन करेंगे, तो धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भाग्य का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको भी सफलता प्राप्त होगी। बंधु, बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव आजीविका का भाव है और पिता का भाव है। यहाँ राहु और बुध का जड़त्व योग और सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा है, इसलिए इस महीने राहु की वजह से आपको आलस्य आएगा। तो आलस्य छोड़ करके आप काम में लगे रहें। नौकरी में परिश्रम से आपको सफलताएं मिलेंगी। नौकरी और व्यापार में परिवर्तन इस महीने सोच समझ करके करें। यदि नौकरी में कोई आपको नया प्रस्ताव मिलता है, तो पहले विचार करें कि वहां जाना सही होगा या नहीं, तभी परिवर्तन करें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ अपने संबंध मधुर बना करके रखें। बंधु, बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव लाभ का भाव है। यहाँ पर गुरु अपनी मंगल देव की मित्र राशि में विराजमान है। हर ओर से धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको इस महीने धैर्य बना करके रखना होगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। जल्दबाजी में आपको निर्णय कोई नहीं लेना है। लाभ आपको अवश्य मिलेगा इस महीने, लेकिन धैर्य का आपको परिचय इस महीने देना होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव है, आपके विदेश संबंधी मामले और कोर्ट कचहरी का भाव है। इस महीने आप खर्चों पर नियंत्रण रख करके चले। 7 से 31 मार्च तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आप सावधानी बरत के चले। विदेश से आपको धन लाभ के अवसर इस महीने प्राप्त होंगे। तो बंधु, ये मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए हमने प्रत्येक भाव के अनुसार उसके मार्च के राशिफल की चर्चा की। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने की 3, 5, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 28 और 30 ये तारीखें शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप थोड़ा संभल करके रहे, जैसे कि नौकरी और व्यापार में किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। इस दिन वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं
और अपने इष्ट देव का ध्यान रखें। उपाय की बात की जाए तो इस महीने आप गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं तो मिथुन राशि और लग्न वालों का ये महीना बेहद उत्तम फलदायी होगा। बंधु, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व और होली उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं।